नमस्कार, मैं हुशवानी और आज हम आए हैं रीडिफाइन स्किन क्लिनिक जो कि डॉक्टर कुणाल सिन्हा का है और यहाँ पे आप स्किन से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और आज हम ये टॉपिक मोस्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो डार्क सर्कल्स के बारे में, इसी टॉपिक पर आज हम डॉक्टर कुणाल सिन्हा से जानेंगे कि ये जो डार्क सर्कल्स है ये क्यों होते हैं और इसके क्या क्योर हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी न्यूज़ में। थैंक यू। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डार्क सर्कल्स होते क्यों? देखिए, डार्क सर्कल होने का तीन इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहला तो हम लोग का जो इंडियन स्केलेटल स्ट्रक्चर है कॉकेशियंस का, उसमें जो ये पेरी ऑर्बिटल रीजन है आँखों के चारों तरफ, ये थोड़ा सा संकन, ये एक गड्ढा रहता है। गड्ढे होने के कारण, प्लस दूसरी चीज़ है जो अराउंड द आइज हमारा स्किन है वो थोड़ा पतला रहता है और सिकुड़ा रहता है, तो रिंकलिंग भी रहता है। और थर्ड चीज़ होता है पिगमेंटेशन। तो ये तीनों चीज़ मिला के जो हमारा धंसा हुआ जो स्ट्रक्चर है, सिकुड़ा हुआ अराउंड आइज जो स्किन है और पिगमेंटेशन, ये तीनों कंबाइन होकर डार्क सर्किल हमारे बनाते हैं। अदर देन दैट, दूसरा रीज़न हो सकता है एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो सकता है, कुछ दवाएं हैं, ड्रग्स हैं जिनके कारण भी ऐसा हो सकता है। तीसरा, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसमें भी डार्क सर्किल देखने को मिलता है, या किन्हीं को आँख से पानी आने की समस्या है जो बहुत कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, लेट से सोना है, सोने और उठने का समय बहुत निश्चित नहीं है, अगर खाना प्रॉपर टाइम से नहीं खा रहे हैं, आँख को मलने की आदत है, किन्हीं को कुछ बाम वगैरह विक्स वगैरह लगाने की आदत होती है, तो ये सब कॉमन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिससे डार्क सर्किल होता है। तो इन सब वजहों से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, डार्क सर्किल एज सच, जैसा कि मैंने बताया, इसमें तीन इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं डार्क सर्कल के, इसमें तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है रादर, कि वो एक पिगमेंटेशन है, स्किन का रिंकलिंग है और संकन स्किन, यहाँ पे स्केलेटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग का ये धंसा हुआ है। तो जब तक इन तीनों एंटिटी को हम टारगेट नहीं करेंगे तब तक ये डार्क सर्किल पूरी तरह नहीं जाता है। तो यूजुअली बहुत सारे डार्क सर्किल के क्रीम्स भी आते हैं, नाइट क्रीम, एंटी डार्क सर्किल क्रीम, पर सिर्फ क्रीम यूज़ करने से डार्क सर्किल नहीं जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप सनस्क्रीन रेगुलर यूज़ करें एक, और नाइट क्रीम एज अ डार्क सर्किल क्रीम वो भी यूज़ करना है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें फिलर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, बोटॉक्स एंड फिलर्स, मैं फिलर्स को, फिलर्स का रोल ज़्यादा है, क्योंकि जब फिलर्स एक हाइलोरोनिक एसिड का एक नॉर्मल सीरम्स होता है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं, आपके एक ख़ास खास पॉइंट्स पे इंजेक्ट किया जाता है, जब वो अंदर जाता है तो आपका जो स्किन है वो स्ट्रेच होता है, स्किन पूरे फेस का लिफ्ट होता है और अराउंड द आई स्किन जो है वो स्ट्रेच होता है, जिसके कारण रिंकलिंग और पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और अगर उसके ऊपर से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं डिफरेंट क्रीम से, तब उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखता है। बिल्कुल। तो ये रहा डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट, कैसे इसका क्योर किया जा सकता है। डार्क सर्कल्स का डाइट से भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? डाइट का हमारे ओवरऑल स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली डार्क सर्कल पे भी पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो पहले तो वो चेक कराना होता है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस हिसाब से फिर आपको बहुत सारे आयरन, मतलब कुछ आयरन टैबलेट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। खाने में एंटीऑक्सीडेंट जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, लाइक सबसे कॉमन एप्पल, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। वेजिटेबल्स में ब्रोकली वगैरह, ये सब, फिर बीटा कैरोटीन वगैरह, ये सब डार्क सर्किल को रोकने में, आगे बढ़ने से रोकने में और उसको कम करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने जाना कि डार्क सर्कल्स कैसे होता है और इसका क्या क्योर है, तो हम लोगों ने डॉक्टर कुणाल सिन्हा से जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।